किसी भी बिल्डिंग को बनाने का जो बेसिक यूनिट है वो है ब्रिक, जो कि आपके सामने यहाँ पे स्टैक के रूप में दिखाई दे रही है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको आप जानने के बाद कभी नहीं भूलोगे। इस ब्रिक का जो साइज़ है वो है 190 × 90 × 90। उसके बाद इस ब्रिक का अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो जो शॉर्टेस्ट पार्ट है इसको हम हेडर कहते हैं, ये जो आपका जो लॉन्गेस्ट लेंथवाइज पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग स्ट्रेचर कहते हैं, और जो टॉप पे आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं। ये फ्रॉग ना सिर्फ कंपनी के नाम को रिप्रेजेंट करता है जबकि एक मैसनरी के अंदर स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए भी काम आता है। इस ब्रिक का जो वेट है वो 3 से 3.5 किलो है, और इसको बनाने के लिए सलीम एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि सिलिका, एल्युमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके करेक्ट प्रोपोर्शन से इसको हम लोग बनाते हैं, और फाइनली ये हमारी बिल्डिंग्स में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके की एक और वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें जानेंगे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं ब्रिक के।